बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज बात करेंगे एनबीपी का जो ETF है उसमें भी थोड़ी सी रीबैलेंसिंग हुई है। कुछ कंपनीज को जो है वो ऐड किया गया है और कुछ को रिमूव किया गया है, तो देखते हैं कि उन्होंने क्या अपडेट किया है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, थैंक यू। कल 4 फरवरी को जो है ये नोटिस दिया है एक्सचेंज को, जिसमें से उनके मुताबिक जो है वो TRG पाकिस्तान को जो है वो इंक्लूड किया गया है। एनबीपी ने अपने ETF इंडेक्स का पार्ट बनाया है और बैंक अल्फला को जो है वो रिमूव किया है। 8 फरवरी से ये इंप्लीमेंट हो जाएगा, यानी कि जो 8 फरवरी जो नेक्स्ट मंडे को जो ट्रेडिंग सेशन होगा उसमें आप TRG का जो है वो एक शेयर भी आप रेगुलर में बाय या सेल कर सकेंगे। तो इसकी जो कंप्लीट लिस्ट है, तो अब टोटल तो है वो 15 वो इस एक्सचेंज इंडेक्स का जो है वो हिस्सा है, जिसमें से TRG जो है वो अब शामिल हो गई है और बैंक अल्फला निकल चुका है। इसके अलावा जो है कंपनियां हैं उसमें TRG और लकी सीमेंट का सबसे ज्यादा वेटेज है, 10% की जो है वो वेटेज रखी गई है इस इंडेक्स में। उसके बाद HBL में 8.9% का वेटेज है, पाकिस्तान पेट्रोलियम इसका हिस्सा है 8%, हब पावर कंपनी लिमिटेड 7.9%, एंग्रो कॉरपोरेशन 7.81%, OGDCL भी 7.76% के हिसाब से पार्ट है इसका, पाकिस्तान स्टेट ऑयल 7.07%, UBL में 6%, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी को 5.56% रखा गया, MCB 5.51%, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स को 4.66%, एंग्रो फर्टिलाइजर 4% है, बैंक अल हबीब 3% है, जबकि मीजान बैंक की भी वेटेज जो है वो 3.28% है। और TRG को जो है वो हाई वेटेज के साथ अब NPP इंडेक्स का जो है वो पार्ट बना दिया गया है। तो ये छोटी सी अपडेट थी ETF के हवाले से।